Good morning, students. How are you all? Hope you all are safe and sound at your place and doing great. Today we will read our chapter number 6, आसमान में महल. आकाश में महल. बीरबल की चतुराई और बुद्धिमता का वर्णन तो आप सबने ही सुना होगा. बादशाह बीरबल से बहुत ज़्यादा अत्यधिक स्नेह रखते थे, क्योंकि बीरबल की सूझबूझ से बादशाह को हमेशा हर परेशानी से आज़ादी, छुटकारा मिल जाता था. इसलिए वो हमेशा बीरबल को अपने नज़दीक रखते थे, अपने साथ रखते थे. बादशाह अकबर विद्वानों का आदर करते थे. बादशाह अकबर क्या करते थे? विद्वानों का आदर करते थे. उनके दरबार में 9 रत्न थे. हाउ मेनी? 9 रत्न थे. उनमें कोई विद्वान, बुद्धिमान, कोई गायक, सिंगर, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार, तो कोई कवि था. उनमें बीरबल भी एक थे. उनकी चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं. किसकी चतुराई के? बीरबल की चतुराई के. किसकी चतुराई के? बीरबल की चतुराई के. क्या प्रसिद्ध है? अनेक किस्से. अकबर और बीरबल की गहरी मित्रता थी. बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे. वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे. कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे. वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे. क्या करते थे? बीरबल की बातों से राजा को क्या लगता था? अच्छा लगता था, उनका मनोरंजन होता था. और वे किसी भी कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन का आंसर बड़ी ईजिली दे देते थे, बड़ी चतुराई से. मतलब क्लेवर थे ना वो बहुत, तो वो अपने उससे जल्दी से आंसर दे देते थे राजा का जो भी सवाल होता था. तो कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे. वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे. उनको बीरबल से क्या होती थी? जलन होती थी कि बीरबल सारे आंसर दे देते हैं, इसलिए राजा उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं. और वे किसी तरह अभी क्या करना चाहते थे? बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे ताकि राजा उनसे बात करना कम कर दे. एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे. सारे दरबारी जो भी थे ना वहाँ, वो सारे थे, बट बीरबल नहीं था वहाँ. लेकिन बीरबल वहाँ नहीं थे. अच्छा मौका देखकर राजा ने कहा, धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं. पृथ्वी पर तो हमने बहुत सारे किले और महल बनवाए हैं. हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में भी बनवाया जाए. एक महल कहाँ बनवाया जाए? आसमान में, आकाश में, बादलों पे. क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? क्या बनवा सकते हैं? सभी दरबारियों ने कहा, यह कार्य तो बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल भी असंभव है. यह कार्य तो संभव ही नहीं है. अकबर ने कहा, आप लोग सोचकर कोई उपाय निकालिए. आप लोग सोचिए, कोई उपाय तो निकलेगा ही. मतलब कुछ उपाय तो निकलेगा ही. सभी लोग चुप रहे. बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले एक दरबारी बोला, जो बीरबल से ईर्ष्या रखता था, जलन रखता था, वो एक दरबारी बोला, हजूर, एक बीरबल ही है आसमान में महल बनवा सकते हैं. बाकी तो कोई और आसमान में महल नहीं बनवा सकते. उसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुँचे. उसी टाइम क्या हुआ? बीरबल भी वहाँ पर आ गए. अकबर ने कहा, बीरबल, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं, क्या यह बन सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बीरबल का मुंह देखने लगे. और अकबर ने पूछा, क्या तुम सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? बीरबल के जो जवाब था उससे राजा को भी आश्चर्य हुआ. उन्होंने भी पूछा कि क्या तुम सचमुच आकाश में महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा. अगर आप परमिशन देंगे तो अवश्य बनवा दूंगा. अकबर ने कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुमको मुँह मांगा इनाम दूंगा. कैसा? जो तुम बोलोगे वो इनाम दूंगा, मुँह मांगा इनाम दूंगा.
हजूर, यह काम बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा, बीरबल ने कहा। बोला, ये काम तो बहुत मुश्किल है, इसमें क्या लगेगा, बहुत सारा समय और टाइम लगेगा, बहुत सारा पैसा खर्च होगा तब ये काम होगा। तुम धन और पैसे की चिंता मत करो, तुम पैसे और समय के टाइम की चिंता मत करो। जितना धन चाहिए खजाने से ले लो, जितना पैसा चाहिए कहाँ से ले लो, खजाने से। बस तुम इतना बताओ कि इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा, अकबर ने पूछा। अकबर को लग रहा था जल्दी से महल बन जाए, इसलिए उन्होंने पूछा, कितने टाइम में यह महल बन जाएगा। बीरबल ने उत्तर दिया, हजूर इसकी तैयारी में ही एक महीना लग जाएगा। क्या बोला, इसकी तैयारी में ही एक महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है तुम तैयारी आरंभ कर दो। क्या बोला, ठीक है तुम तैयारी शुरू कर दो। बीरबल ने कहा, हजूर मेरी एक शर्त है। मेरी क्या है, एक शर्त है, महल बनाने के कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु वहां तक सामान पहुंचाने का प्रबंध आपको करना होगा। क्या करना है, आकाश तक सामान पहुंचाने का प्रबंध आप करोगे, कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है हम सामान का प्रबंध करा देंगे। क्या बोला, ठीक है हम सामान का प्रबंध करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद लाने को कहा। कितने तोते, 50, 50। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वे रोज उन्हें बोलना सिखाने लगे। क्या बोलना सिखाने लगे, वे तोतों से बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। क्या लाओ, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। एक महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों की रट लगाते रहते थे। वो क्या करते थे, दिन भर इन्हीं शब्दों की रट लगाते रहते थे। एक महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसी चल रही है। भाई बीरबल, आकाश में जो आसमान में हमारा महल बनने वाला है उसकी तैयारी कैसी चल रही है। बीरबल ने कहा, हजूर कारीगर तैयार हैं। क्या, कारीगर तैयार हैं, वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलवाए और एक प्रत्येक को एक एक पिंजरा दे दिया। कितने मजदूर बुलवाए, 50, और उनको क्या दिया, एक एक पिंजरा दे दिया। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया। कहाँ खड़ा किया, दरबार के चारों ओर। उनसे कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊँ तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना, जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तब इनको क्या करना है, उड़ा देना है। बीरबल दरबार में पहुँचा। बीरबल कहाँ पहुँच गया, दरबार में। सभी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकरों से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुँचे। नौकरों ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत दिया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सिखाए शब्दों को बोलने लगे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। वो क्या किए, वो ऊपर उड़ने लगे महल के ऊपर और बोलने लगे, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ और पानी लाओ। तो ये शब्द सबको सुनाई दे रहे थे, दरबारियों को भी सुनाई दे रहे थे और अकबर को भी सुनाई दे रहे थे। दरबारियों ने कहा, हजूर कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं। बीरबल ने कहा, हजूर कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं, वे सामान मांग रहे हैं, शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। क्या बोला कि कारीगर तो ऊपर पहुंच गए आकाश में, अभी सामान पहुंचाने का काम तो आपका था, आपने बोला था शर्त के अनुसार, तो अब आप सामान पहुंचाओ। सभी चकित होकर महल के बाहर आ गए। सभी ने अभी भी ऊपर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। जब पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि बोल कौन रहा है, फिर उनको बाद में पता चला कि ये सब तो कौन बोल रहे हैं, तोते बोल रहे हैं जो बीरबल ने अभी अभी छोड़े थे पिंजरों से। तो सब क्या करने लगे, हंसने लगे। बीरबल ने चतुराई से अकबर
बड़े प्रसन्न हुए। बीरबल की क्या थी ये? चतुराई थी। उसने अपनी वो दिखाई ना चतुरता कि तोतों को रटा दिया और ऊपर छोड़ दिया। अब तोते क्या कर रहे थे? सामान मांग रहे थे। और सामान किसको पहुंचाना था? अकबर को पहुंचाना था। क्या अकबर सामान पहुंचा पाते? नहीं पहुंचा पाते। तो बीरबल ने अकबर को बिना मना किए क्या कर दिया? खुश कर दिया। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में पहना दी। क्या की? बीरबल के गले में पहना दी, उसको दे दी। क्यों दी? क्योंकि बीरबल ने समस्या को मना करने से पहले उसका हल निकालने का प्रयास किया। जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, सीधे ऐसे नहीं कहना हमसे ये नहीं होगा। वी हैव टू ट्राई। हमें उसको करने के लिए क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने के बाद भी अगर हमसे वो काम नहीं होता है तो उसका कुछ ना कुछ दूसरा हल निकालना चाहिए और बाद में बोलना चाहिए, हाँ अगर हम ऐसे करते तो कर सकते थे बट नहीं हो पाएगा, सॉरी, है ना। शुरू में ही हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।